कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं अभी गाजियाबाद से आ रहा था। पीछे रोड देख रहे हैं, घंटा घर वाला रोड है, और मैं अभी देख रहा था रोड साइड में, यहाँ पे भाई जो है कबूतरों का खाना बेच रहे थे, और यहाँ पे पीछे कबूतर भी बहुत सारे। तो ऐसे आपके लोकेशन पे भी, आपके घर के आसपास भी जब आप रोड से गुजरते हैं तो काफ़ी जगह पे मिलते होंगे पक्षी, तो वहाँ पे आप लोग भी प्लीज़ कुछ ना कुछ खिला दिया करो। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे बेच रहे हैं, और कबूतर भी हैं काफ़ी सारे, तो मैंने अपनी बाइक साइड में रोकी, और साथ में प्रहलाद भाई हैं, तो हमने बाइक यहाँ रोक के अब हम लोग ये परचेज़ करके खिलाने वाले हैं। तो जितने भी कबूतर हैं लगभग सभी के लिए हम लोग उधर डालेंगे आगे तक, और देखते हैं कितना हम लोग खरीद सकते हैं, और उसके बाद हम लोग डालेंगे, उसके बाद मैं आपको वीडियोज़ में दिखाऊँगा। तो गाइस प्लीज़ बने रहना वीडियोज़ में, और अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लोग दाना डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुकते हैं रोड साइड में और दाना डालते हैं, और इससे इनको भी पेट में कुछ खाना पहुंच जाता है, और जो भाई बेच रहा है उसको भी रोजगार मिला हुआ है। तो देखा जाए तो दोनों लोगों का काम चल रहा है, कबूतरों का पेट भरा जा रहा है और भाई का जो है रोजगार है, तो दोनों का काम चल रहा है। क्योंकि देखो पक्षी हैं, भूखे हैं, इनको अगर खाना नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जाएंगे, तो इनको खाना खिलाने के भाई बैठे, और खरीद के हम लोगों का फर्ज बनता है इन लोगों को खाना खिलाना। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, और